पाकिस्तान को देखती हूँ मिर्चें लगती रहती हैं, पाकिस्तान की सर्वाइवल उनके लिए मिर्चें हैं, कश्मीर की आज़ादी की आवाज़ उनके लिए मिर्चें हैं, तो उनकी मिर्चें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बाकी मैं डिटेल से बात नहीं कर चाहता कि मिर्चें कैसे ख़त्म होती हैं, लेकिन एक चीज़ होगी, वो जिस अंदाज से उनकी रसवाई हुई है वो सारी दुनिया ने देख ली कि एक मुल्क जो कि एक वर्ल्ड पावर है वो कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो हफ्ते एक मीटिंग में कहा था कि आप कश्मीर में सांसी कराएं, लेकिन उन्होंने वही चीज़ जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक ख्वाहिश थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बताई। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो या पाकिस्तान का कोई भी हो, आप भी हो, आप भी कहेंगे यस हैप्पी। एक घंटे के बाद सारा पानी फिर गया, उसने कहा मैंने तो कोई बात नहीं की प्राइम डोनाल्ड ट्रंप से, झूठ बोल रहा। तो आप तो इस चीज़ का फैसला करना कि कौन ठीक है कौन गलत है वो तो अल्लाह जानता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ आना चाहिए कि जिसको वो एक अच्छा इंसान समझता था उसने पूरी दुनिया में उसकी सुर्खी की है, उसको झूठा साबित किया है। आई होप के इस बात पे अमेरिका को टोटल अपने सफारती तलकात बंद कर देने चाहिए इंडिया के साथ, कि ये सफारती अदाब के खिलाफ है कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट ये कहता है कि आपने मुझसे बात की और उस बेसिस पे मैं मीडिएटर बनना चाहता हूँ। एक तो उनकी मीडिएशन जो उन्होंने दरकार दी सारी टू से, दूसरा उनको झूठा साबित किया, तीसरा खुद भी अपने आप को ख्वार किया कि वो एंटी पाकिस्तान है, वो एंटी कश्मीर है और वो कभी भी इस खत्ते में अमन नहीं चाहता। क्योंकि मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझ लेना चाहिए कि दुनिया में बहुत कम जल्दी एक्सपोज हो गए और भी हो गए, और जो मैंने मोदी वॉर डॉक्टर लिखी थी उसका एक एक लफ्ज़ आप ठीक हो रहा है, बिकॉज यू आर अगेंस्ट पाकिस्तान, यू आर बुचर ऑफ गुजरात, यू आर बुचर ऑफ कश्मीर, एंड वी डोंट नो हाउ बिग बुचर यू आर गोइंग टू बिकम इन इंडिया द वे यू आर किलिंग मुस्लिम्स, द वे आपने देखा होगा कि मुसलमान औरतों को एक रेवड़ की सूरत में हांग कर वो पूरे का पूरा जो एक रस्म होती है इंडिया की हिंदुओं की वो कराई जाती है। कौन से कानून में लिखा हुआ है, कौन सी फेथ में है कि आप अपनी फेथ में ज़बरदस्ती डंडे के जोर पे वो फेथ मनवाएं।